नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैक्टर्स की दुनिया पर। मेरा नाम है यश जाट और आज मैं आया हूँ चेतक कृषि इंडस्ट्रीज बड़ी सादड़ी। यहाँ पर कई प्रकार के कृषि यंत्र बनाए जाते हैं जिसमें खास करके ट्रॉली। अगर आपने ट्रॉली वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देखिए। यहीं पर जो अभी लेटेस्ट स्प्रे पंप चल रहा है जो लिफ्ट के साथ उठता है और ट्रैक्टर के साथ ही अटैच होकर स्प्रे का काम किया जाता है जिससे कई प्रकार की दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, वो पंप हमें देखने को मिला है। तो इसकी पूरी ही जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ट्रैक्टर से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। आज इसकी पूरी ही जानकारी के लिए मैं इनके जो ओनर है उनको मैं यहां बुलाऊंगा और उनसे जानेंगे कि इसमें क्या क्या खासियत है। तो सूरज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सूरज जी, आप हमारे किसान भाइयों को इस स्प्रे पंप के बारे में जानकारी दीजिए। जी सर, ये हमने जनरली जो स्पेशल एग्रीकल्चर स्प्रे टैंक के हिसाब से जो टैंक आता है ओरिएंट का, वो ओरिएंट का टैंक हम इसमें यूज कर रहे हैं सर। जी, ये ओरिएंट का टैंक। जी, ओरिएंट का टैंक है सर। इसका 500 लीटर का कैपेसिटी रहता है, ठीक है। इसमें हम 1000 फीट का स्प्रे पाइप दे रहे हैं सर कस्टमर किसान भाई को साथ में, जिसमें 1000 फीट तक की लंबाई आपके खेत में छिड़काव कर सकते हैं। 1000 फीट। कौन सी कंपनी की पाइप है ये सर? ड्यूटोन का रहता है सर। जी जी जी, मजबूत आता है सर, ड्यूटोन का रहता है। इसमें हमने इसको वापस ऑटोमेटिक कलेक्ट करने के लिए लीवर सिस्टम दिया है जिससे ये लीवर दबाते ही पूरे खेत में कितनी ही दूर हो तो भी ऑटोमेटिक कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। अकेला आदमी इसको कलेक्ट कर सकता है। जी जी सर, बिल्कुल इसको कलेक्ट किया जा सकता है। इसकी से इस रोल की सेफ्टी के लिए हमने पीछे ये एक्स्ट्रा स्टैंड दिया हुआ है। जी, ताकि हाँ, इस स्टैंड की वजह से ये पूरा सेफ्टी रहे। ठीक है। और इसके अलावा हमने इसको जो दिया है ना, आगे पूरा हाउसिंग ब्लॉक बना के हमने फिर इसमें पुली लगाया हुआ है, ताकि इसमें क्या होता है पूरा हाउसिंग ब्लॉक में बेरिंग लग के फिर शाफ्ट लगा हुआ है तो वो पुली बिल्कुल इजी चलता है। जी, यहाँ पर सूरज भैया ने काफी महत्वपूर्ण बात बताई है, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। यहाँ पर जो पुली लगी हुई है, हमने कई सारे कृषि जो स्प्रे पंप है वो देखे हैं, तो वो यहाँ से बबलिंग करते हैं जिससे पंप की लाइफ जो होती है वो खराब होती है, कम समय चलता है। लेकिन इन्होंने ये अलग से टेक्नोलॉजी का यूज किया है जिसके जरिए ये बबलिंग कम होता है। तो थोड़ा सा आप इसको चला के बताइए हमारे किसान भाइयों को कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा ही फिक्स है जिससे जो पंप है ऑपरेट करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। और अभी इन्होंने चालू कर रखा है तो हम इसका जो फुहारा वगैरह है वो भी देखना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी इतनी दूर तक ये जा सकता है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पेड़ तक इसका अच्छा, काफी अच्छा फ्रेशर इसका देखने को मिल रहा है। और अगर इसको हम चौड़ाई में करें तो कितना एरिया कवर कर लेगा, ये थोड़ा सा चौड़ाई में करके बताइए फोग में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मिनट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फोग आपको दिखाई दे रहा होगा, इतनी चौड़ाई पर ये करके बिल्कुल माहिन सा फुहारा है बना सकता है ना। ठीक है, अब इसकी जो पाइप की है कैसे बंडल बनाया जाता है वो भी हम देखना चाहेंगे। तो यहाँ से ऑपरेट करने के ये बता रहे थे, तो इस तरीके से इसके पाइप का जो है रोल बनाया जाता है। यहाँ हाथ पर फोकस करना, ऐसे है ना। ठीक है, तो किसान भाइयों, इसका स्प्रे हमने देखा काफी लंबा पेड़ तक स्प्रे इसका जा रहा था और काफी माइन जो फुहारा है उसका बना रहता है। सूरज जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि इसके अंदर जो पंप है वो कौन सा यूज किया गया है? पंप नटराज सुपर का यूज किया हुआ है जिसका 7.5 HP तक का वो लोड रहता है, लोड कैपेसिटी है। और इसका पर मिनट 30 लीटर से 60 लीटर तक पर मिनट पानी सक्शन करने का कैपेसिटी है इसका। यानी कि एक मिनट के अंदर ये 30 से 60 लीटर के बीच में जो पानी है वो सक्शन कर सकता है। ठीक है, और ये पूरा ही लिफ्ट पर है ना?
और हमने सर इसको जनरली क्या टैंक को वापस दवाई अगर बच जाता है तो उसको खाली करने के लिए काफी दिक्कत आती है, क्योंकि ये तो पूरा फिक्स स्टैंड में बना हुआ है, तो इसके लिए हमने अलग से नीचे इसका वाल सिस्टम दिया हुआ है जी, ताकि अगर कोई दवाई बच भी जाती है तो उस वाल के थ्रू हम अपन खाली कर सकते हैं वापस इसको। अच्छा, वाल के जरिए अगर इसके अंदर कोई केमिकल वगैरह दवाई वगैरह बच जाती है, धोना चाहते हैं जी, तो इसको जैसे लिफ्ट पर उठा के नीचे से वाल जो है खोलेंगे अपन तो वो पूरा खाली किया जा सकता है। तो इसके साथ जो पाइप आती है कितना फीट देते हैं आप किसान भाइयों को? 1000 फीट देते हैं सर। जी, और इस पूरे ही सेट की क्या प्राइस रख रखी आपने? ये सर इसके पूरे ही सेट की प्राइस 51,000 है जी, मतलब 51,000 रुपए में किसान भाइयों को ये 1000 पाइप है ना, ये गन वगैरह ये सारा जैसा मॉडल हम देख रहे हैं वो कम्प्लीट किसान क्रॉस वगैरह सारा कुछ कम्प्लीट देते हैं जी। अच्छा, इसकी और क्या क्या विशेषता है? बस सर एक तो मेनली जनरली दूसरे जो टैंक आते हैं वो वाटर टैंक यूज करके स्प्रे मशीन बनाई जाती है, इसको हमने पूरा पाइप फिक्सर बना के स्पेशली एग्रीकल्चर स्प्रे टैंक बनाया है जिसका थिकनेस काफी मोटा रहता है जी, इसका थिकनेस काफी ज्यादा रहता है, कभी अगर इसमें कभी मतलब ब्रेक होने की कोई टूटने की कोई शिकायत नहीं आती है। जनरली अगर ये मशीन कहीं गिर भी जाए पलटी भी खा जाए तो भी इसका टूटने का लगभग इसका 7 mm का थिकनेस रहता है इसका जी। तो यहाँ पर स्पेशली इस टैंक को तैयार करवाया गया है जी, है ना, टैंक को तैयार ताकि इसका जो बैलेंस है ट्रैक्टर के साथ बैलेंस रहे, गोल वाली जो कॉम्पैक्ट है मतलब अगर कॉम्पैक्ट रहेगा सब तो आगे से ट्रैक्टर उठने की समस्या नहीं आती है जी, ज्यादा रहेगा तो फिर ट्रैक्टर भी आगे से उठ, अगर ज्यादा लटका हुआ रहेगा तो आगे से ट्रैक्टर उठने की समस्या रहती है जी सर। इसके अलावा इसमें एक और खासियत है कि इसमें हम जैसे अपन नए बहुत सी बार होता है अपन कुएं पे होते हैं या फिर पानी भरने में दिक्कत आती है तो जहाँ पे भी मतलब वाटर फॉल वगैरह या खड्डे वगैरह कहीं में भी बारिश का पानी भरा हुआ होता है और अगर अपन इसमें उससे टैंक भरना चाहें तो उसके लिए अपन एक ऑटो फिलिंग वाल भी इसमें अपन साथ में देते हैं। ये वाला जी सर जी, ये इसमें पंप से इस नली के थ्रू प्रेशर बनता है और ये ओपन उसमें खड्डे में भरा रहता है और पानी वापस इसमें अपन टैंक में भर सकते हैं जी। तो यहाँ किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि ये एक अलग से वाल इसके साथ दिया गया है जो कि पंप से अटैच रहता है, जिससे आप किसी भी खड्डे वगैरह में खेत की तरफ खड्डे होते हैं या फिर नाली नहर उनसे पानी भर सकते हैं, कुएं से भर सकते हैं और ये टैंक जो है स्प्रे के लिए इसके अंदर पानी भर सकते हैं। कितने फीट कैपेसिटी रहती है, कितने फीट गहराई से पानी खींच सकता है इसकी गहराई से पानी खींचने की? ये तो सर जनरली 10 से 15 फीट से या फिर अपन ज्यादा बढ़ाना चाहें तो भी बढ़ा सकते हैं, पर 15 से 20 फीट गहराई में से पानी खींच लेता है जी। 15 से 20 फीट जहां गहरा पानी हो तो वहां से आप इस टैंक के अंदर भी पानी भर सकते हैं, है ना जी। तो किसान भाइयों यहां पर आप देख सकते हैं ये 51,000 रुपए का स्प्रे पंप है, 1000 मीटर की पाइप के साथ कंप्लीट, यहाँ पर आप पूरा ही देख सकते हैं काफी अच्छा। और अभी जो लेटेस्ट मॉडल चल रहा है वो इस वीडियो में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे अगर जुड़े आपके कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि आप कंपनी से संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर कंपनी के जो नंबर है वो इस पर दिए गए हैं तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इस पंप के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अन्य किसान भाइयों तक शेयर जरूर करिएगा। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय किसान।